हमने अलगा लिए थे उसके जो मैंने 35 10 पहले और 25 बारी उस तरह से दिखाई करता अलगा करवाए थे वो हमारे बहुत ही उपयोगी हैं अभी तक से 3-4 बुकों को छोड़कर वो भी अंग्रेजी वाले हैं और कसा जरा भी एक सफर किसी ने भी उन्हें करने का या मेरा कहने का मतलब है उस वीडियो को ढूंढने का प्रयास नहीं किया है यदि तुमने अलगा नहीं करे हैं तो तुम्हें इस वीडियो की वजह से या उनके न पढ़ने की वजह से बहुत नुकसान होगा क्योंकि यदि बच्चा तुम्हारी लड़की जाएगी तो भी चित्र इतने हैं ग्राम और भी है जो बड़े बुजुर्ग हैं वही हम बताएंगे दोबारा समझ पाए इससे हम नहीं कर पाए इसलिए तुम्हारे लिए जरूरी था कि तुम व्याकरण का बारीकी से अध्ययन करो जिसके वजह से निर्भर रह सकते मैंने बताया था कि दो या तीन वर्ष में तुम्हारे अलगा आते हैं साथ ही विशेष में भी विशेष यदि एक नंबर या दो नंबर का है तो उसमें भी उस अलगा का प्रभाव पड़ता है यदि तुम उसे ध्यान से पढ़ोगे तो आराम से उन्हें कर पाओगे ये जो 35 टेंशन है ये सभी के आ जाना चाहिए वरना आगे जो होता है उसमें भी और इसमें भी तुम्हें नुकसान होने वाला है व्याकरण एक ऐसी चीज है यदि तुम इसका अध्ययन करोगे तो तुम्हें इसमें ज्यादा लाभ मिलेगा जैसे मुझे कहने का मतलब है यदि तुम्हारे को लड़का आ गया है और उसमें तुमने उस एक नाम लिखने से जैसे तुमने लिख दिया ये मत अलंकार और यदि यह है 3 नंबर का तुम्हारे अलंकार का प्रति है तो इसमें निश्चित रूप से तुम्हें डेढ़ नंबर और निश्चित रूप से मात्र 100 रुपये की वजह से डेढ़ नंबर मिल जाता है इसकी परिभाषा है परिभाषा वालों लिख दो कि 2 या 2 से अधिक समझा करते हैं और प्रत्येक वालों के अर्थ को बिना दें इतना सही कैसे जबकि तुम 9 बड़ा लिंक लिखते हो कम से कम 2-3 कर पेयर कर लेते हो तब जाके उसमें 1.5 या 2 नंबर तो इसलिए ध्यान रखिए कि व्याकरण को जितना बारीक से अध्ययन करोगे उतना ही तुम्हारे फायदे हमने कुछ टॉपिक पढ़े हैं आज हमारे पास जो महत्वपूर्ण है वह है पद द्वेषी पद द्वेषी अभी देखिए पद का परिचय तो पहले यह पता लगाना जरूरी है कि पद होते हैं जब तक तुम्हें पद के बारे में पता नहीं होगा तो उसका परिचय नहीं दे पाओगे हमने देखा कि यह सभी को पता है कि वर्णों का जब सार्थक समय होता है इसका वर्णों का हमें यहाँ पर छोटी छोटी बातों की तरफ जाना होगा ये तो जब लेना कि ये कक्षा 3, 4, 5 की विशेषकर इसमें सभी जरूरी है आने जब तक ये सभी नहीं आएंगे तब तक पद परिचय नहीं कर पाओगे तो वर्णों का लंबा सार्थक संग्रह कैसा संग्रह है सार्थक संग्रह जब वर्णों का सार्थक संग्रह होता है तब ही क्या बनता है तभी सब बनता है इसलिए मैंने तुम्हें ये समझ ये भी पढ़ाई थी वर्णों के सार्थक संग्रह को सब कहते हैं जैसे देखिए नमक यहाँ हमने क्या किया है कल नल ये हमारे पास वर्णों का संग्रह है यहाँ हमने कितने वर्ण लिए यहाँ हमने 3 वर्ण लिए कौन कौन से और 3 वर्ण लिखने हमारे पास क्या बन गया एक संघ बन गया जिसका अर्थ निकल रहा था जिसे मैंने बताया कि हम सब्जी बनाते हैं सब्जी हमारे काम आता है रोटी बनाते हैं तो भी ये है ये क्या है इसका अर्थ निकला हमने क्या किया नैको ऐसा समूह बनाया तो जिसका क्या निकला अर्थ निकला यहाँ देखिए हमने 2 ही वर्ण लिए उनका भी समूह बनाया उनका भी अर्थ निकला यदि हम इसी को भी उल्टा लिखे यदि कमल होता तो सार्थक समय बढ़ता लेकिन यहाँ न है इसलिए कोई सार्थक समय नहीं बना तो हम इसे
सब नहीं ऐसे थे लग ये इमेज का भी है कि उसका अलग अच्छा था लेकिन हिंदी में ऐसा कोई ये क्या है नहीं बन रहा है नल नल ये भी नहीं बन रहा है तो हम हिंदी क्या नहीं कह सकते हम इन्हें शब्द नहीं कह सकते जब सार्थक संभव होगा तभी वह सब होगा और इन्हीं सब होगा जब किससे प्रयोग हो जाता है जब सब होगा वाक्य में प्रयोग हो जाता है वाक्य में कैसे जब वे क्रमबद्ध रूप से शब्दों का प्रयोग हो जाता है तब वह वाक्य हो जाता है यदि उसमें भी कर्म नहीं होगा उल्टा सुलटा होगा तो वह वाक्य नहीं होगा जब क्रमबद्ध संपन्न होगा और पूरा पूरा अर्थ में स्पष्ट हो जाएगा उसका अच्छी तरह से अर्थ समझ लेने वही वाक्य होगा जैसे देखिए हमने देख लिया फिर हमें देखना है कि वाक्य क्या है जैसे संध्या विद्यालय जाती है यहाँ हमारे पास क्या है कि किसी व्यक्ति का नाम ले लिया हमने सांझ लड़के उसके लिए नहीं लिखा हमने संध्या किसी लड़के का नाम है और क्या करिए विद्यालय जाती अब हम इसी को कर्म नाम क्या करिए उल्टा सूत्र ले लें जाति है विद्यालय संध्या अब देखिए वही वर्ण हमारे पास है नहीं सब हमारे पास पुनर्गम लेकिन इनको कोई क्या कर्म नहीं है लगातार ऐसी कर्म लगता नहीं है कि जिसके वजह से अर्थ स्पष्ट हो तो ये क्या है कि उल्टे छोटे हमें लिखी है इसलिए इनका कोई क्या है सार्थकता हम ये है कि पूरा हमें वाक्य में स्पष्ट नहीं हुआ है और इसलिए लिखते हैं हमें वाक्य है वो पता चल जाता है तो ये क्या हुआ ये हमारा वाक्य हो गया जब हम शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो वही शब्द क्या कहलाते हैं वही शब्द है वो शब्द में कहलाकर तब पद कहलाते हैं क्या कह रहे कि जब शब्दों का वहां पर वाक्य में प्रयोग होता है और वही फिर क्या कहलाते हैं सार्थक शब्द वही वो पद कहलाते हैं आज इसकी परिभाषा देखिए किसी पद वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द कैसे शब्द है निरर्थक नहीं सार्थक शब्द दो प्रकार देते हैं सार्थक और निरर्थक जिनका अर्थ निकल रहा होता है कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ शब्द निरर्थक भी होते हैं और उनका हिंदी भाषा में प्रयोग होता है तो जैसे ये कहते हैं कि पेट में गड़बड़ हो गई गड़बड़ तो उसका कोई अर्थ स्पष्ट और गुटरू इस प्रकार से कुछ हम शब्दों का काम है टंटनाटन तो इस प्रकार से कुछ है जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है तो वाक्य में प्रयुक्त सार्थक जो शब्द है वही क्या होते हैं वही पद होते हैं सार्थक शब्द पद कहलाता है अब देखिए यहां मैंने लिखा था संध्या विद्यालय जाती है विद्यालय जाती है यहाँ पे हम लड़के पढ़ते हैं पद परिचय पद का क्या देना परिचय पद परिचय परिचय होता है किसी के बारे में उसकी पूरी जानकारी देते हैं कि अपना परिचय दीजिए तो किसी के बारे में जानकारी यहाँ है पद परिचय तो हमने पढ़ा कि वाक्य में जब शब्दों का उपयोग हो जाता है क्या कहलाता है पद कहलाता है तो तुम्हारे प्रश्न आएगा पद परिचय बताइए कोई भी इसके नीचे किसी भी शब्द के नीचे या ये कहेंगे पद के नीचे रेखा नीचे नहीं होगी रेखा की रेखा से अंकित किस प्रकार से तुम्हारे प्रश्न आएगा या इसके भी हो सकता है या इसके भी हो सकता है ऐसे अंकित नहीं होगी तो
की सुंदरता, रेखांकित सुंदरता पर परिचय बताइए। अब देखिए हमें इसका परिचय बताना है, तो जिसके नीचे रेखा आ रही है उसका हमें परिचय बताना पड़ेगा। अब इसके नीचे रेखा खींचनी है तो हमें इसका परिचय बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि संध्या हमें पता है कि संध्या क्या है, संध्या है क्योंकि किसी लड़की का नाम है, तो हमें इसे संध्या बता देगी कौन सी संध्या, ये भी हमें पता है कि ये क्या है, ये है स्त्रीलिंग, तो हम इसका लिंग भी बता देंगे, ये भी पता है कि ये एक वचन है, हम वचन भी बता देंगे, तो और कार्य भी बता देंगे। इस प्रकार से हम इसका पूरा परिचय कर देंगे सब के बारे में कि क्या क्या होता है, तो वही हमारा क्या होगा उस सब का परिचय होगा। तो इस आधार पर हमें क्या करना है, उसका परिचय देना है। तो आप देखिए व्याकरण की दृष्टि से किसके आधार पर, व्याकरण के आधार पर, शब्द का लिंग वचन कारक या संज्ञा में ले सकते हैं, वह अन्य पदों के आधार पर शब्द का कहे या पद का कहे या अन्य दो पद है उसके संज्ञा संज्ञा विशेषण क्रिया जो भी है उनके आधार पर क्या करना, उसकी जानकारी देना, उसका क्या करना पर संबंध बताना या उजागर करना, क्या कहलाता है बताना पद परिचय होता है। ये तुम्हारे इतना नहीं आएगा कि पद परिचय क्या पद की परिभाषा भी बहुत ही कम चांस है कि परिभाषा उसके परिभाषा में नहीं, सिर्फ एक वाक्य दिया होगा और फिर या दो भी वाक्य हो सकते हैं और फिर उसके नीचे रेखा चिन्हित किया हुआ होगा और फिर पूछा जाएगा कि उसका परिचय है वो बताइए। अब इसके देखिए हम किस किस के आधार पर, संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, विशेषण के आधार पर, क्रिया के आधार पर, इन आधारों पर क्या करेंगे इनका परिचय देंगे। इसलिए जरूरी है संज्ञा सर्वनाम विशेषण इन शब्द के बारे में जानकारी रखना। यदि संज्ञा है सर्वनाम है विशेषण है क्रिया विशेषण है उनकी जानकारी करनी है तो उनका वीडियो भी इस पे हमारे जो चैनल है पर डालते हैं जिससे कि आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो पद परिचय है उनके बारे में जानकारी करते समय में निम्नलिखित उनके बारे में पद परिचय में निम्नलिखित बातों का बताना आवश्यक है। ये निश्चित है कि कभी इसमें दो या तीन ही हो सकते हैं कि दो पद परिचय बताइए, तीन बताइए, चार बताइए, तो जितने आते हैं उसके आधार पर तुम इसको आसानी से छाट सकते हो। सबसे पहले होगा हम देखते हैं संज्ञा के आधार, संज्ञा के आधार आधार पर। अब देखिए
इसमें यदि हम संज्ञा के आधार पर देखें तो जरूरी है कि हमें संज्ञा के आधार पर उस संज्ञा के बारे में जानकारी होना। तो इसे तुम्हें शॉर्ट में याद ये है कि छोटे रूप में बता देती हूँ, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान नाम भाव गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी सजीव या निर्जीव संसार में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, उनका नाम हमसे है। बिना नाम की कोई भी चीज है वो किसी के भी समझ में नहीं आती। तो चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, तो उससे आधार पर हमने क्या है उनके नाम दे रखे हैं। और वो नाम क्या है, वो नाम ही संज्ञा है। अब ये ध्यान रखना है तो कोई भी नाम इससे जुड़ जाएगा और नाम आता है तो वो संज्ञा है संज्ञा। लेकिन हमें उस संज्ञा के आधार पर जो कौन कौन से भेद हैं उनके आधार पर भी हमें बांटना जरूरी है। हम प्रक्रिया से सीधा नहीं लिख सकते हैं कि ये संज्ञा, जैसे मैंने बताया था कि संज्ञा ये तो संज्ञा है, हम इसके बारे में सीधा नहीं लिख सकते हैं कि ये संज्ञा है। संज्ञा जरूर है लेकिन ये जरूरी ध्यान रखना होगा, इस मेरे पेपर परीक्षा में बताते समय जरूरी होगा कि हम इसको बताएं कि कौन सी संज्ञा है। तो हमें पता है कि किसी भी व्यक्ति का ये क्या रहता है, नाम आ जाता है, तो वही क्या होती है संज्ञा होती है। अब देखिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के ये कैसे फिर हम इस बारे संज्ञा के प्रमुख रूप से तीन भेद होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति वाचक संज्ञा। पद परिचय करते समय निश्चित रूप से किसी का नाम होगा तो हमें संज्ञा बतानी जरूरी होगी। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जाति वाचक संज्ञा। और तीसरा हमारे पास भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब ये देखिए इसमें हमें ये तीन भेद हैं ये बता सकते हैं, दो कुछ कंपटीशन वगैरह में द्रव्यवाचक संज्ञा और शब्दवाचक संज्ञा वो भी बताई जाती है। लेकिन हमें इस कक्षा सीनियर में जूनियर में हम यदि इन तीनों के बारे में नहीं लिखते हैं तो भी नंबर नहीं कटेगा। तो प्रमुख रूप से इन तीनों को समझना ही जरूरी है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम यदि क्या है वो एकवचन, यदि क्या है एकवचन, यदि बहुवचन है तो नहीं है एकवचन, जो एकवचन है और किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी प्रमुख पुस्तक का नाम जैसे रामचरित मानस, किसी भी पत्र या पत्रिका का नाम, तो जो महत्वपूर्ण है उसको एक विशेष रूप से है उसका जो नाम है वह किसी आता है, वह आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो किसी एक व्यक्ति या कोई ऐसी महत्वपूर्ण वस्तु है या पदार्थ है तो जो महत्वपूर्ण है उसी के लिए ही किसका प्रयोग होता है, उसके लिए कहने का मतलब है उसके लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, इसमें इसमें पूरे समूह को पूरी जाति को संबोधित करने वाले जो शब्द है जैसे मेज है कुर्सी है और शिक्षक है विद्यार्थी है, तो कोई एक शिक्षक नहीं है, पूरे शिक्षक आते हैं, सभी विद्यार्थियां हैं, पशु है गाय है, गाय नाम आते हैं, किसी एक का ही नाम नहीं है, काम निर्वाह कहा जाता है, काम निर्वाह का नाम आते हैं उसका निश्चित रूप से कोई एक विशेषता है तो उसका आधार को वह कौन से जाती है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन गाय अगर गाय अपनी कौन से जाती है वह जातिवाचक संज्ञा, तो पूरी जाति को जब संबोधित करेगा तो वह होगा जातिवाचक संज्ञा में। और जब किसी भी व्यक्ति के गुण बताए जा रहे हैं, उसके भाव बताए जा रहे हैं, उसकी दशा बताई जा रही है, उसकी स्थिति बताई जा रही है तो वह होता है भाववाचक संज्ञा। तो जैसा भी उसका भाव हो वो
उसमें बहुत इसमें अधिकतर एकवचन आते हैं, इसमें बहुवचन आते हैं और इसमें व्यक्ति है, जैसे ये कहते हैं कि वह उसमें बुढ़ापा है, तो फिर स्थिति बताती है कि वह क्या होगा, बुढ़ा होगा इसमें बुढ़ापा सकता है उसके लिए। या ये कहें कि सज्जनता, सज्जन मनुष्य उसका बुरा सज्जन है उसके लिए आगे सज्जनता, तो वो भाव सज्जन है व्यक्ति का बुरा, प्रेम दया करुणा इस प्रकार के जो शब्द है वो सभी किस जाते हैं, वो सभी भाव सज्जन है। तो हम जब देखेंगे इस दुनिया के छोटे बताएंगे तो हमें कर्म से कौन कौन से देंगे वो बता देंगे। तो इसमें सीनियर के आधार पर और फिर इसमें पहला ले लूँ सीनियर के फिर सीनियर के फिर अब इसमें कौन कौन सी व्यक्ति वाचक संज्ञा, व्यक्ति वाचक संज्ञा, दूसरी कौन सी है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा बेटा हमारे पास में भाववाचक वाचक संज्ञा। ये हो गया हमारे पास संज्ञा के भेद। इनमें मैंने बताया कि द्रव्यवाचक और कौन से समूहवाचक या समुदायवाचकों के लिए सबसे लेकर महत्वपूर्ण की गई है। फिर इसके अंदर हम लेते हैं जो हमने देखा संज्ञा शब्द और उसके लिंग, और लिंग हमें पता है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग, कौन सा। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी कि लिंग कहते हैं इसे, तो जब पुरुष और स्त्री जाति के आधार पर हमें पता चल जाता है कि यह पुरुष जाति का और यह स्त्री जाति का, तो उसके आधार पर हम क्या करेंगे इसका निर्धारण करेंगे, उसको अलग अलग करेंगे कौन कौन से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये कौन कौन से हो गए पुल्लिंग और स्त्री। फिर हम इसको वजन के आधार पर, वजन ये कौन से चल जो शब्द है उनको संख्या के आधार पर देखिए कि एक संख्या या एक से अधिक संख्या, तो उनके आधार पर तो ये कौन कौन से हो गए एक वचन और बहुवचन। ये देखिए ये दोनों हो गए एक वचन और बहुवचन, और इनके साथ ही हम किसका जो कारक होते हैं कारक काल हो जाते हैं तो हम कारक का भी करते हैं, कौन से कारक है तो हमने देखा कि संज्ञा के बारे में तो कारक के जो भेद है उनके भेद कितने होते हैं, कारक के भेद आठ भेद होते हैं, तो देखिए इनके जो भेद हैं उनके नाम भी क्या करने पड़ेंगे, उनके नाम है वो भी याद करने पड़ेंगे, तो साथ साथ अब अपनी पूरी व्याकरण को पुनः रिपीट करनी पड़ेगी, कौन कौन से कर्ता करण करण इस प्रकार से कर्ता करण करण ये जो आपको देता वो कर इसको खड़ा करेंगे। फिर जो कर्ता क्रिया संज्ञा थी उसका क्रिया के साथ क्या संबंध है, आपका पॉइंट होगा क्रिया के साथ संबंध, क्रिया का कार्य और आपका संबंध क्रिया के साथ संबंध। इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि इसके पॉइंट है वो बताते जाएंगे, तो आप वो एक संख्या जैसे अभी मैंने बताया था कि क्या था वो, तो हमारे पास था संज्ञा शब्द, संज्ञा निकाले जाती है। अब देखिए ये संज्ञा है और इसके नीचे अंडरलाइन आ गया और वापस शब्द है वो आगे छोड़ दीजिए वो पूरा होगा, इस तरह करेंगे तो संज्ञा लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे इसकी एक चीज लगाएंगे, और ये कौन सी संज्ञा है व्यक्ति वाचक संज्ञा, व्यक्ति वाचक संज्ञा इस पद का आप परिचय दे रहे हैं। फिर दूसरा हम लिखेंगे कि हमने देखा था कि लिंग ये कौन सा लिंग है, लड़के ये कौन सा लिंग हो गया
इसका वचन कौन सा वचन है? यह एक वचन, एक घंटे एक वचन। और कौन लगे? संजय लगे। तो कर्ता कार्य, कर्ता कार्य। और क्या कर रही है? विद्यालय जाती है। तो हम लिखते हैं जाती है क्रिया का कर्ता, का कर्ता। अब देखिए हमारे पास इस एक शब्द के कितने परिचय हुए? एक, दो, तीन, चार, पांच। इस प्रकार से सिर्फ एक शब्द के इतना सा लिखने से तुम्हें पूरे नंबर मिल पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि इसको ध्यान से पढ़े। अब हम कलर करेंगे।